विवादों में घिरे नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई। याचिकाओं में अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा लेने, धांधली की जांच की मांग की गई है। तो वहीं एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई के पहले सीबीआई को मिली बड़ी सफलता, पटना एम्स के 3 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने तीनों डॉक्टर्स के कमरे सील किए, लैपटॉप मोबाइल फोन जब्त किए। एम्स के ये तीनों डॉक्टर्स 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंची है सीबीआई। नीट धांधली मामले में सुनवाई से पहले एनटीए ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी, किसी भी सिस्टमैटिक फेलियर से इनकार किया। एनटीए ने बिहार में धांधली से जुड़ी घटनाओं का भी किया उल्लेख, जांच जारी रखने की बात कही, घटना को बताया आपराधिक गतिविधि। नीट धांधली की जांच बिहार पुलिस द्वारा शुरू की गई, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया था। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई, जिस पर आज होनी है सुनवाई। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद लिया था बड़ा एक्शन, 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए थे। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपने नाम और पहचान लिखने वाले आदेश पर राजनीति शुरू, अखिलेश यादव ने कुछ नाम डालकर ट्वीट करके सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने नामों पर छिड़ी राजनीति को लेकर प्रशासन की मंशा पर उठाए सवाल, अदालत से मामले में संज्ञान लेने की अपील की, आदेश को बताया सामाजिक अपराध। अखिलेश के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाम वाले आदेश को लेकर बोला हमला, इसकी तुलना जर्मनी की नाजी सरकार से की, दक्षिण अफ्रीका की रणभेद नीति से की। कांवड़ यात्रा में दुकानदारों के नाम पर बीजेपी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष हमेशा से ये नाम बदलकर काम करते हैं, उनके साथ क्यों खड़ा रहता है। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बजट से पहले मोदी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शुरू हुई, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से जमा हुए सभी, बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी नया बजट। जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज बड़ी बैठक, प्रशासनिक अधिकारियों, सभी विभागों के प्रतिनिधियों, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले पार्टी जन आधार के साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी समर्थन खो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह ने यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी खींचतान पर बड़ा बयान दिया, बोले हार की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग एक दूसरे पर कपड़े न फाड़ें। और ये सामूहिक जिम्मेदारी है, एक नया फैशन चल गया है अभी दूसरे के ऊपर छिकरा फोड़ने का। लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, जल्द होगा इसका ऐलान। 20 जुलाई को झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं शामिल। झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव रहेगा महत्वपूर्ण मुद्दा, घोषणा पत्र में किए गए वादे पर चर्चा की संभावना। यूपी बीजेपी में खलबली के बीच अखिलेश यादव का धमाकेदार बयान, सोशल मीडिया पर लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल पर साधा निशाना, बोले हिंसा और कब्र खुदेगी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल पर साधा निशाना, कहा जो गौ मांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर जाता है वो लोग हिंदू को आतंकवादी कहता है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख सीपी जोशी के राहुल पर दिए बयान पर कांग्रेस का पलटवार, हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं इसलिए ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर बोला हमला, लालू को बताया लोकतंत्र की हत्या करने वाला नेता।
राजनीतिक हलचल के बीच यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट आई सामने। 15 पेज की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आलाकमान को सौंपी। चौधरी की आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार के कारणों का उल्लेख, आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर, काशी में मतदाताओं का ग्राफ गिरा। 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की कमी आई। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी बीजेपी के विरोध में गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट में विशेष जाति की नाराजगी का उल्लेख किया। राजपूत समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा कुपवाड़ा जिले में 3 जगह सेना और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। डोडा में 2 जगह मुठभेड़ हुई। कुपवाड़ा के किरण इलाके में एनकाउंटर, सेना को आतंकवादियों की घुसपैठ की यहां पर मिली थी जानकारी। डोडा में आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल, सेना ने आतंकवादियों को घेर लिया। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर आईडी ब्लास्ट कर हमला किया। हमले में 2 जवान शहीद, 4 गंभीर रूप से घायल। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन ने ली शपथ। 2 नए जजों को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ। मुंबई में सुबह सुबह बरसे बादल, सड़कों पर भर गया पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में आ गई बाढ़, कई गांव बाढ़ में डूबे। बाढ़ के कारण बांध पर रहने को मजबूर लोग मवेशियों की जान बचाने के लिए पॉलिथीन डालकर 15 दिनों से कर रहे हैं यहीं पर निवास। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से लगाई गुहार, राहत सामग्री की मांग की। पिथौरागढ़ में बारिश से नदियां नाले उफान पर, कई गांवों में बाढ़ का खतरा। हल्द्वानी के काठ गोदाम में भारी बारिश का कहर, बारिश के कारण पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई कार। केदार घाटी में बारिश से केदारनाथ हाईवे जगह जगह से बंद, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के सहारनपुर में बारिश के कारण नदियां उफान पर, सहारनपुर की तहसील मुख्यालय से कटा दर्जनों गांवों का संपर्क। तेज बारिश के चलते स्कूल परिसर बना पानी का दरिया, जिला प्रशासन ने आपातकालीन बंदी की घोषणा की। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का बढ़ गया जलस्तर, गोलपारा में बाढ़ की स्थिति। गोलपाड़ा में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी किनारे बसी बस्तियों को किया गया विस्थापित। हरदोई में गर्रा नदी उफान पर है, तेज बहाव के कारण 2 हिस्सों में टूट गया है पुल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर, पानी की तेज धार में डूब गई कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, नदी नालों में उफान से लोग मुश्किल। मुंबई में फिर शुरू हुई बारिश, दादर में ऑफिस से लौट रहे लोगों को हुई परेशानी। कर्नाटक में अंकोला के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन, राहत और बचाव का काम जारी। कासगंज में ताजिया सुपुर्द खाक करते समय हुजूम पर पुलिस का लाठीचार्ज, लोगों ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर लाठी चलाने का आरोप लगाया, विरोध में सड़क जाम की। जमशेदपुर के कदमा बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवर लेकर फरार हुए चोर, 4 लाख के आभूषण ले उड़े। हापुड़ के रामा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के केस समरी बांधने पर डॉक्टर्स और तीमारदारों में विवाद गहराया, मौके पर पहुंचे एसपी और एसएसपी हटाए गए। सूरत में सूदखोरी का आतंक मचाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लोगों के बीच पुलिस ने निकाला उसका जुलूस। बेगूसराय में बिजली ठीक करने के दौरान बिजली विभाग में अस्थायी मजदूर की करंट लगने से मौत, नाराज लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। कोटा में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मोबाइल ऐप के द्वारा 6 करोड़ की ठगी, पुलिस ने पंजाब से आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मूंग खरीद केंद्र का किया औचक निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। हिसार में जेजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार पर उठाए सवाल। उज्जैन में पत्नी की हत्या की वारदात से सनसनी, दोनों ही मामलों में पत्नी के चरित्र को लेकर पतियों का था शक।